खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर, समस्या से परेशान बुजुर्ग डीएम कार्यालय की पानी की टंकी पर चढ़ा। पिछले 5 वर्षों सुनवाई न होने से चलते दुखी है बुजुर्ग। मामला आजमगढ़ का बताया जा रहा है। बता दें, आजमगढ़ का रहने वाला व्यक्ति 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने घर की नाली की समस्या से जो काफी दिनों से बनी हुई है, जिसके लिए उसने दर्जनों बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसका प्रार्थना पत्र कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही कोई अधिकारी उस पर ध्यान दे रहा था। इससे दुखी बुजुर्ग अपना जिला अधिकारी कार्यालय की पानी टंकी पर आत्महत्या करने की नीयत से चढ़ गया। पानी टंकी पर बुजुर्ग के चढ़ते ही सूचना जैसे ही वहां के मौजूद पुलिस कर्मियों को मिला, लोग सन्न रह गए। किस तरीके से एक पुलिसकर्मी टंकी पर चढ़ के बुजुर्ग को समझा बुझा के नीचे उतारा और उसे आश्वासन दिया कि बुजुर्ग जिला अधिकारी से मिलवाएगा। उसके बाद बुजुर्ग पानी टंकी से उतरा और बुजुर्ग को रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? आजगरा गांव है। हम रहते थे गोविंद साहब के स्थान से लेकर फुटकुला तक, यहाँ रहते हैं। यहाँ भोजौली में है कबीर साहब का मठ। अच्छा, यहाँ कहाँ टंकी चला रहा था? टंकी पर हमारा जो है बहुत दिनों से मैं चला रहा था। 5 वर्ष से बीत गया, साल भर अखिलेश की वहाँ भी संदेह हुआ, यही खा गया हमारी सब कागज, जितने कागज दिया व्यापन, इधर भी खा रहा है। ये जो है अंकित यादव है और लोग इसमें अन्य उसके अहरीन बनी है, अहरीन बनी है ठपरा इनसे, वो भी है उसमें मिली हुई। क्या चाहते हैं जी? हमारा नवदान जो है नया बहाल गया खेत में, फिर पुराना नवदान हमारा खोला गया था, गए थे पारदर्श प्रशासन, और ये सरकार में कोई नहीं जाता है। कब से परेशान है? और परेशान है 5 वर्ष इसमें बीत गया, फिर क्या पूछ रहे हैं? 5 वर्ष इसमें बीत गया, साल भर में गिर जाएगी सरकार। अच्छा, आप कैसे टंकी चढ़े हैं? सर ये दुख के खाते चढ़े हैं, ये दुख खाते हैं एकदम आत्मा के। इसकी शिकायत आपने किस लिए चढ़े थे? हमारी मांग मिला, हमारी बात हो, इज्जत नहीं। टंकी किस लिए चढ़े थे? हम इसलिए गए कि हमारी मांग मिला, और नहीं तो हम जान देंगे। अच्छा, हमारी एकदम इज्जत नहीं है। कौन उतार लाया आपको? कौन उतार लाया? क्या चीज वहाँ से कौन उतारा आपको? उतारा एक थी पुलिस, कहा समझा के कलेक्टर से मिला देंगे। अच्छा, कलेक्टर से मिलाऊंगा, कलेक्टर चले मौके पर, हमारा काम असलियत नकलियत देख लें, 5 आदमी बुला के कसम खिला के देख लें। ठीक है, झूठ बोलने में गाँव है, समाजवादी का गाँव है, 400 वोट भाजपा के दिए।